फ्लो क्वाड्रेंट कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं और किस क्वाड्रेंट में कैसे पैसा वर्क करता है, इस पे हालांकि एक पूरी की पूरी किताब है। अगर आप चाहें तो डीप नॉलेज के लिए आप वो किताब पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं उन चीजों उस पॉइंट को लेके रखूंगी आपके सामने जो पॉइंट मुझे लगा था बहुत यूजफुल है आर्सन के प्लान को देखने के टाइम पे। तो हमारे पास पैसे कमाने के चार ही तरीके होते हैं, जिस चार तरीके में पहला तरीका होता है वो होता है जॉब का इम्प्लॉय बन के। जब हमारे पास एक जॉब होता है वो जॉब सरकारी भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है या प्राइवेट भी हो सकता है। यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जितना समय हम देंगे उतना पैसा हम कमाएंगे। टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला यहाँ पे काम करता है। और जब हम आम लोग जो होते हैं या हम हमारे पास जो समय होता है वो समय होता है कितने घंटे काम कर सकते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, उससे ज्यादा तो काम नहीं कर सकते। यानी कि हमारा जो समय होता है, हमारे जो टाइम होता है वो लिमिटेड होता है, हम 8, 10, 12 घंटा, उससे ज्यादा काम नहीं कर सकते। तो चूंकि हमारे पास जो टाइम है, हमारे पास जो समय है वो लिमिटेड है, तो हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड हो जाती है। तो पहला ड्रॉबैक जो इस क्वाड्रेंट का है वो ये है कि हमारे पास जो इनकम होती है वो इनकम जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरी चीज क्या है, क्योंकि हम समय दे के पैसा कमाते हैं तो जब जब हम समय देंगे तब तब हम पैसा कमाएंगे। तो यानी कि जब जब हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिवली काम करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। यानी कि यहाँ पे जो इनकम होती है वो इनकम होती है एक्टिव इनकम होती है, कि जब जब हम एक्टिव रहेंगे, जब जब हम काम करेंगे तभी हमारे पास इनकम आएगी, नहीं तो इनकम नहीं आएगी। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है सेल्फ एम्प्लॉय का, या इसको हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर भी बोलते हैं, या इसको हम लोग प्रोफेशनल भी बोलते हैं। इसमें वो सारे लोग आ गए जो अपना खुद का काम करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं कि स्किल का भी पैसा कमाते हैं। यहाँ पे भी लेकिन सेम फॉर्मूला काम करता है, वो काम करता है आपका टाइम इक्वल टू मनी का। तो यहाँ पे भी जो इनकम है वो इनकम लिमिटेड हो जाती है और यहाँ पे जो इनकम है वो एक्टिव इनकम रह जाती है। तो यहाँ पे भी चूंकि टाइम इक्वल टू मनी का फॉर्मूला है तो यहाँ पे भी सेम ड्रॉबैक यहाँ पे हो जाता है। कहने को लोग बोलते हैं कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किराना दुकानदार बोलते हैं कि अपना मर्जी चलता है, हम जब मन चाहे शटर उठा दे, जब मन चाहे शटर गिरा दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी मर्जी से नहीं काम करते, आप कस्टमर की मर्जी से काम करते हैं, आप अपने क्लाइंट की मर्जी से काम करते हैं। तो लोग यहाँ पे थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि हम किस क्वाड्रेंट में है और किस क्वाड्रेंट में क्या क्या ड्रॉबैक है और हमें क्या चाहिए अपनी जिंदगी से। तो मुझे ये जब ये दिखाया गया था तो मुझे ये चीज समझ में आई गई थी कि हाँ सच में यहाँ पे लिमिटेड इनकम है और यहाँ पे एक्टिव इनकम है। तो तीसरा क्या है, तीसरा सोर्स क्या है कमाने का, या तीसरा तरीका क्या है कमाने का, वो है कि आपके पास एक बिजनेस है, आप एक बिजनेस ओनर है और आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं। आपके पास एक सिस्टम है और बिजनेस ओनर का सिंपल सा अगर फॉर्मूला बोलूं तो बिजनेस ओनर उनको बोलते हैं जिनके पास कम से कम 500 लोगों की टीम होती है। यहाँ पे आपकी टीम आपके लिए काम करती है, उससे आपको पैसा आता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, अगर हम एक बिजनेस ऑन करते हैं और वहां पे हमारे पास आप 500 लोग भी अगर काम करते हैं तो 8-8 घंटे भी काम करते हैं तो हमारे लिए 4000 घंटे का काम हो जाता है। और ये हमारे हाथ में है, हम 100 लोगों को अगर बढ़ा देते हैं, 600 लोगों को लेके आ जाते हैं तो हमारे लिए सीधे 800 घंटे का काम बढ़ जाता है, 4800 घंटा हो जाता है। मतलब कि हमारे हाथ में है कि हम यहाँ पे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं। और अभी के टाइम पे जो ऑटोमेशन आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, उसके आने के बाद तो हम आसानी से अपने काम को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। अपनी मैन पावर को बढ़ाए बिना भी हम अपने जो काम है, जो सिस्टम है, उसको और ज्यादा अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास इनकम आती है वो अनलिमिटेड आ सकती है। एक बिजनेस ओनर के पास अनलिमिटेड इनकम आ सकती है। तो पहला जो सबसे अच्छा इस चीज में पार्ट लगता है वो लगता है कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि अगर आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। तो आप चाहे ऑफिस जाए या ना जाए, अगर नहीं जाते हैं तो भी आपका काम होता है, जाते हैं तो भी काम होता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी इनकम आती है वो इनकम आती है पैसिव इनकम आती है। आप एक सिस्टम को ऑन करते हैं वो सिस्टम आपके लिए काम करता है। और जो आपके लिए काम करते हैं जो लोग, वो लोग आपके नहीं ऑफिस जाने के बाद भी वो लोग अपना काम करते हैं और आपका काम होता रहता है और आपके पास इनकम आती रहती है, आप सिक्योर लाइफ जी सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं कर पाते बिजनेस, उसके लिए कुछ ड्रॉबैक है जो जिसके बारे में बात करना चाहूंगी कि
सब लोग चाहते हैं बिजनेस करना, सब इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मैं बिजनेस ओनर बनूं, लेकिन कुछ दिक्कतें आती हैं। वो दिक्कतें आती हैं कि सबके पास उतना यूनिक आइडिया नहीं होता जिससे वो बिजनेस कर सके। साथ में अगर आइडिया है भी तो क्या उनके पास इन्वेस्टमेंट है, क्या उनके पास कैपिटल है, क्योंकि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में कुछ ना कुछ कैपिटल लगेगा ही लगेगा। तो वो कैपिटल भी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, और अगर आप किसी तरीके से कैपिटल जुगाड़ कर भी लेते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितना प्रोबेबिलिटी है कि वो बिजनेस जो है वो चल ही जाएगा और वो बिजनेस आपका अच्छे से चलेगा और वो डूबेगा नहीं। तो यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर रहता है कि वो चलेगा बिजनेस की नहीं चलेगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार, आईबीएम की रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान में जितने स्टार्टअप होते हैं, और वैसे स्टार्टअप की बात कर रही हूँ जो स्टार्टअप बड़े बड़े वेल एजुकेटेड पर्सन स्टार्ट करते हैं, आईआईटी से निकले हुए, आईआईएम से निकले हुए, एनआईटी से निकले हुए, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए लड़के जब स्टार्टअप करते हैं, उस स्टार्टअप में भी 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं। 90% बोल रही हूँ मैं, 90% स्टार्टअप 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं, और बाकी जो 10% बचते हैं उस 10% का भी 90% अगले 5 साल में फेल हो जाते हैं, ये डेटा बताता है। अच्छी खासी सर्वे के बाद ये डेटा निकली है और ये डेटा ये बताती है, ये हालत है हमारे हिंदुस्तान की। तो अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं, कैपिटल लेके स्टार्ट कर भी लेते हैं, कहीं से लोन वोन का जुगाड़ करके भी स्टार्ट कर भी लेते हैं, तो हमारे पास ये सिक्योरिटी नहीं रहती कि वो बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, तो वहां पे एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर आ जाता है। और चौथा जो तरीका होता है, वो तरीका होता है पैसा कमाने का, वो होता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू। आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला होता है सिंपल, मनी इक्वल टू मनी। मनी इक्वल टू मनी का फॉर्मूला होता है, जितना पैसा आप लगाएंगे उतना पैसा आप कमाएंगे, और यहाँ पे जितना पैसा लगाएंगे वो डूब भी सकता है। यहाँ पे भी हाई रिस्क फैक्टर काम करता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क होता है, और इसी के कारण ज्यादातर लोग, हम आम लोग जो हैं, वो इन दोनों क्वाड्रेंट में आना पसंद नहीं करते हैं, और हम सिक्योर लाइफ के लिए यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज के टाइम पे बता दूं, हम लोग ज्यादातर आम लोग सिक्योरिटी के लिए कि हम सिक्योर हो जाएं, इसके लिए हम लोग जॉब करते थे, लेकिन आज के टाइम पे जॉब में भी ये सिक्योरिटी नाम की चीज नहीं रही है, क्योंकि जॉब में पहले एक चीज होती थी, वो होती थी पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहती थी, लेकिन 2004 के बाद जो भी लोग जॉब ज्वाइन किए हैं उनके पास पेंशन नहीं है, तो सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है। और आज के टाइम पे सिक्योरिटी कुछ भी नहीं रही, गवर्नमेंट जॉब में भी एक झटके में लोगों की जॉब खत्म हो जाती है, एक झटके में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है, अर्ली रिटायरमेंट दे दिया जाता है, एक झटके में एक पूरा का पूरा पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा फैक्ट्री ऑटोमेट होता है और लोगों को निकाल दिया जाता है, एक झटके में बैंक मर्ज होती है, 3 से 4 बैंक एक बैंक में मर्ज होती है, एक बैंक हो जाता है और बहुत सारे स्टाफ की नौकरी चली जाती है, ये वाली हालत हो चुकी है। रेलवे ऑटोमेट होगा तो वहां पे बहुत सारे लोगों की नौकरी चली जाएगी, बैंक ऑटोमेट हो रहा है, आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि आर्मी तक ऑटोमेट होने वाली है, तो सोचिए क्या क्या हालत होने वाली है। तो हमें अब सोचना होगा कि समय बदल रहा है और समय के अनुसार हमें अपनी जो क्वाड्रेंट है उसको भी बदलनी होगी, हमें ऐसे क्वाड्रेंट में जाना होगा जिस क्वाड्रेंट में एक अच्छा खासा पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो और पैसिव इनकम भी हो। लेकिन दिक्कत है कि हम इन दोनों क्वाड्रेंट में ज्यादातर लोग हैं, 90% लोग इन दोनों क्वाड्रेंट में है, लेकिन यहाँ पर जो वेल्थ है बस 10% है, यानी कि ओनली ओनली 10% दौलत पे 90% लोग झगड़ रहे हैं, 90% लोग लड़ रहे हैं। वहीं इस क्वाड्रेंट में देखा जाए तो बस 10% लोग काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे दौलत 90% है। अब ये फैसला लेना है कि आप किस क्वाड्रेंट में जाना पसंद करते हैं, क्या आप उसी 90% लोगों में भीड़ में जाना चाहते हैं जहां पे बस 10% दौलत है और उसी 10% दौलत में सब झगड़ा कर रहे हैं। तो मुझसे जब ये सवाल पूछा गया तो मैं ऑब्वियसली मैं इस क्वाड्रेंट में जाना चाहती थी, लेकिन इस क्वाड्रेंट में जाऊं कैसे, कैसे जाऊं मैं, मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरे पास उतना रिस्क फैक्टर मेंटेन करने का, मतलब वो रिस्क फैक्टर मैं सह भी पाऊंगी कि नहीं सह पाऊंगी मुझे पता नहीं, मेरे पास मेन पावर होगी कि नहीं, वो आइडिया होगा कि नहीं, और आइडिया मेन पावर और इन्वेस्टमेंट आ भी जाए तो क्या मेरे पास उतनी स्किल होगी जिस स्किल पे मैं बिजनेस को कर पाऊं। तो ये बहुत सारी चीजें थी, तो इसका आंसर मुझे मिला, वो आंसर मिला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। वो कैसे मिला थोड़ा सा देखते हैं।